तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद मजेदार गुप्त रूप से बनाए गए फर्नीचर्स की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। सीक्रेट अलमीरा। कपड़े रखने की यह अलमारी पहली नज़र में आपको सभी आम कपड़े रखने वाली अलमारियों की तरह ही प्रतीत होगी, जिसमें लोग मुख्यतः अपने कपड़े इत्यादि एक स्थान पर रख सकते हैं। मगर इसी अलमारी की बाईं तरफ वाले हिस्से से जैसे ही अलमारी को बाहर की तरफ खींचा जाता है तो एक विशेष गुप्त स्थान दिखाई देने लगता है। इस प्रकार का गुप्त स्थान बेहद आवश्यक और काफी फायदेमंद होता है घरों में लोगों के द्वारा अपने कीमती सामान को छुपाकर रखने के लिए। इस प्रकार की अलमारी की काफी मांग भी बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रकार की अलमारियों का बनाने का खर्च तो कम आता ही है, साथ ही साथ इनमें अपने कीमती सामान को रखकर उसे सुरक्षित भी रख सकते हैं चोरों इत्यादि से। स्पाइरल वाइन सेलर। वाइन को इस प्रकार जमीन के अंदर रखना काफी लंबे समय से चला आ रहा है और इसे इस प्रकार रखने के लिए कुछ इस विशेष प्रकार के फर्नीचर का निर्माण किया जाता है, जो कि एक गोल आकार में जमीन के नीचे होता है और जिसके ऊपर मजबूत शीशे का ढांचा लगा होता है, जिसे खोलकर बड़े ही आराम से इसके अंदर घुसकर वाइन को रखा या निकाला जा सकता है। इस प्रकार वाइन अंदर रखने से ऊपर जगह तो बचती ही है, साथ ही साथ इस प्रकार वाइन को जमीन के अंदर रखना वाइन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वाइन को हमेशा एक निश्चित तापमान की जरूरत होती है, जो कि इस प्रकार के गुप्त जमीन के अंदर बनाए गए स्थानों में ही संभव हो पाता है। डे कॉफी टेफला। इस कमाल के कॉफी टेबल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। यह कमाल का कॉफी टेबल अपने अंदर कई छोटी छोटी जगहों के साथ बना होता है, जिन्हें पहली नजर में ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है। यहाँ यह शख्स इस टेबल के ऊपर दरअसल कॉफी तैयार कर रहा है, जिसे बनाने के लिए उससे संबंधित सभी सामग्री इसी टेबल के अंदर ही रखी गई है। इस कॉफी टेबल के अंदर छोटा चूल्हा, पानी रखने की जगह, कॉफी के बीन्स को पीसने वाले यंत्र के साथ साथ अन्य कई ऐसे जगह हैं जहाँ सामान को रखा जा सकता है और जो इस टेबल के कमाल की बनावट के कारण इसी में समा जाते हैं और टेबल को बहुमुखी रूप से लोगों के लिए फायदेमंद बनाते हैं। यूरी लिफ्ट। लोगों के द्वारा खुले में मूत्र विसर्जन करना कई देशों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इस प्रकार मूत्र विसर्जन करने से शहर की शोभा तो खराब होती ही है, साथ ही साथ बदबू इत्यादि और जगह जगह गंदगी हो जाने के कारण कई बीमारियां भी फैलती हैं। इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए ही एम्स्टर्डम में वहाँ की सरकार ने एक कमाल का उपाय ढूंढ निकाला है। बेहद साधारण सा दिखने वाला गोल आकार का यह ढांचा दरअसल मूत्र विसर्जन करने का एक छोटा यूरिनल है, जिसमें लोग खड़े होकर मूत्र विसर्जन कर सकते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि यह ढांचा जरूरत पड़ने पर रिमोट के एक बटन दबाते ही जमीन के अंदर भी जा सकता है, जिससे यह जरूरत पड़ने पर जगह खाली भी बना देता है। इस प्रकार के आविष्कार के कारण अब लोगों के द्वारा मूत्र विसर्जन करने से वह मूत्र नीचे सीवर पाइप में चला जाता है, जिससे ना गंदगी फैलती है और लोगों को भी काफी सहूलियत हो गई है हर जगह इस प्रकार के यूरिनल को स्थापित कर देने के बाद। बीच वर्ल्ड। बहुत से देशों में लोग घंटों घंटों समुद्र किनारे बीच पर लेटकर आराम करना पसंद करते हैं और उस दौरान उनका सामान चोरी ना हो जाए, तो उसके लिए इस खास टूल का इस्तेमाल किया जाता है।
जो कि एक गोल प्लास्टिक के ढांचे के आकार का होता है, जिसे उस जगह जमीन में गाड़ दिया जाता है जहां शख्स को लेटना होता है, और अपना कीमती सामान उसमें डाल देने के बाद आप चादर बिछा के वहां लेट सकते हैं, और आपका सामान आपके ठीक नीचे होने के कारण आप चोरी होने की चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। और घंटों बेफिक्र आराम कर सकते हैं। ड्रेसलर बॉक्स। कई लोग अपने बड़े बड़े सुंदर घर तो बना लेते हैं, मगर कचरे को रखने वाला डस्टबिन घर में अगर एक साइड पर खुले में रखा हो तो वह कहीं ना कहीं घर की शोभा खराब कर देता है। उसी बात को ध्यान में रखकर इस खास हाइड्रोलिक ड्रेसलर बॉक्स नाम के उपकरण का आविष्कार किया गया है, जो कि आपके एक बटन दबाते ही जमीन से ऊपर की ओर उभर आता है और कचरा उसमें डाल देने के बाद पुनः नीचे भेजा जा सकता है, जिससे इसकी उपयोगिता तो बढ़ जाती है, साथ ही साथ घर भी साफ नजर आता है। मेयर्स कॉम्पैक्ट ईवी। यह विचित्र सा दिखने वाला ढांचा दरअसल एक पुली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे घुमाकर आप इस फर्नीचर के दो मुख्य स्थानों को खोलकर उपयोग में ला सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं, इसके पहले भाग में एक छोटा किचन होता है जहां आप अपना किचन का सारा सामान रखने के साथ साथ खाना इत्यादि भी बना सकते हैं। इसी किचन के दूसरी तरफ एक छोटी शेल्फ भी उभारी जा सकती है, जिसका प्रयोग डाइनिंग टेबल के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है दूसरे भाग की। यहां आप छोटा सोफा नुमा बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं बैठने के लिए। यही नहीं, इसके साथ ही एक छोटी अलमारी भी होती है जहां आप अपने कपड़े इत्यादि भी रख सकते हैं, और इसके ठीक दूसरी तरफ अन्य स्थान भी इसमें उपलब्ध होता है जहां आप लैपटॉप का इस्तेमाल करने के साथ साथ पुस्तकें या फिर अन्य अनेकों प्रकार के सामान को भी रख सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि इस प्रकार का फर्नीचर उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जिन्हें जगह की तंगी होती है, या फिर जो घर से बाहर निकलने के बाद अपने सामान को यूं बंद करके सुरक्षित रखना चाहते हैं। कार डॉक। कई लोग एक से अधिक कारों को रखना पसंद करते हैं, मगर जगह की तंगी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। मगर यह खास हाइड्रोलिक तकनीक पर काम करने वाला कमाल का सिस्टम, जहां आप एक कार को इसमें घुसाकर जमीन के नीचे बनाए गए स्थान में खड़ा कर सकते हैं, जिससे जगह तो बनती ही है दूसरी कार के लिए, साथ ही साथ कार नीचे सुरक्षित भी रहती है, जिसके कारण यह कमाल का सिस्टम काफी उपयोगी बन जाता है उन लोगों के लिए जिन्हें एक से अधिक कारों को रखना पसंद है। हिडन डाइनिंग टेबल। महानगरों में निरंतर बढ़ते घरों की कीमतों के कारण अब लोग छोटे घरों में सभी साधनों से संपन्न जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो गए हैं। उसका एक मजेदार उदाहरण है यह कमाल का गुप्त फर्नीचर। दरअसल यहाँ इस कमरे के बीचों बीच एक खास जगह बनाई गई है जहाँ डाइनिंग टेबल छुपा होता है। जैसे ही इसे ऊपर निकालने के लिए बटन दबाया जाता है, तो यह डाइनिंग टेबल बड़े ही मजेदार तरीके से फर्श के अंदर से निकलता हुआ बाहर खड़ा हो जाता है, जिसे आप बाद में अन्य दूसरे डाइनिंग टेबल की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।